الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
इस पे इबादत का धोखा हो, जिस पे इबादत का धोखा मखलूक की वो ताजीम न कर, इबादत खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल लज़ी तुर्जा शफ़ातुहु لكل حول من الأهوال مقتحمي। तमाम हज़रात एक मरतबा मोहब्बत प्यार अकीदत और एहतराम के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। انتهائي قابل قدر उलमाए किराम और इस अजीम शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ लाने वाले गयूर सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह तबारक व ताला मालिक कायनात खालिक अर्जो समा का अजीम एहसान है जिस परवरदिगार आलम ने आज फिर एक मरतबा मौका अता फरमाया कि इस 29 सफर की सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो कि 22 दिसंबर सन 2014 के अंदर इनेकाद पजीर है, अल्लाह ने मुझे भी और आपको भी इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में अपने अकायद व नजरियात और अपने आमाल की इस्लाह की फिक्र के लिए जमा फरमाया। दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान खालिसतन एक मजहबी जमात है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के अकायद और नजरियात का तहफ्फुज़ हो जाए और उनके आमाल की इस्लाह हो जाए। तो अकायद और नजरियात में बुनियादी चीज जो हमारे शेख हजरत अकदस काजी मजहर हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरकदा ने हमें समझाई है कि अकायद के अंदर यह अकीदा एक रीढ़ की हड्डी रखता है
उसे अकीदा तौहीद कहा जाता है। उसे कौन सा अकीदा कहा जाता है भाई? अकीदा तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने हमें ऐसा मुवाहिद बनाया है कि हम तौहीद की आड़ में तौहीन करने वाले भी नहीं हैं और तौहीद को छोड़कर शिर्क करने वाले भी नहीं हैं। ये फितनों का दौर है। इस पुरफितन दौर के अंदर एक तबका वो है जो नाम तौहीद का इस्तेमाल करता है लेकिन तौहीद की आड़ में अंबिया और औलिया की तौहीन करता है, और एक तबका वो है जो सिरे से तौहीद के करीब नहीं जाता, शिर्क की गिलाजत में फंसा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलो सुन्नत वल जमात हैं। हम कौन हैं भाई? अहलो सुन्नत वल जमात। अहलो सुन्नत का माना है नबी वाले, वल जमात का माना है सहाबा वाले। हमें नबी और सहाबा से जो रास्ता मिला है, हमारे अकाबिर ने हमें उस रास्ते पर खड़ा किया है जो नबी और सहाबा वाला रास्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुवाहिद हैं। हम कौन हैं भाई? मुवाहिद हैं। अकीदा तौहीद हमारी पहचान है। ये मेरी जमात का परचम आपको नजर आ रहा है। इस जमात के परचम पर मेरे शेख ने सबसे पहला जो जुमला लिखवाया वो या अल्लाह मदद है। वो कौन सा जुमला है भाई? सारे बोले कौन सा जुमला है? या अल्लाह मदद। क्या माना? लोगों इस फितनों के दौर में सबसे पहले अकीदा तौहीद के साथ वाबस्ता होना पड़ेगा। अगर मुवाहिद नहीं बनोगे, अकीदा तौहीद पर ईमान पुख्ता नहीं होगा तो दुनिया कुफ्र के शिकंजे तुम्हें नोचने के लिए तैयार खड़े हैं और फितने तुम्हारा ताकुब कर रहे हैं। इस फितनों के दौर में और दुश्मन के शिकंजे से बचने के लिए जरूरी है कि अपने अकायद की इसलाह की जाए, और अकायद के अंदर सबसे पहला नंबर अकीदा तौहीद का है। पहला नंबर किसका है भाई? अकीदा तौहीद का। और यह अकीदा तौहीद कितना जरूरी अकीदा है, कितना जरूरी अकीदा है। अगर कुरान करीम को आप शुरू करें तो सबसे पहले सफे पर आपको सूरह फातिहा नजर आएगी। सबसे पहले सफे पर कौन सी सूरत है भाई? सूरत फातिहा, जिसे अपनी जुबान में हम अलहम्द शरीफ कहते हैं। आज का मुसलमान अगर सूरत फातिहा को समझ ले, रब्बे कायनात की कसम वो फितनों से महफूज हो जाए। इस सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने अकीदा तौहीद को भी बयान किया है, अकीदा रिसालत को भी बयान किया है और औलिया की अजमत को भी समझाया है। अगर सूरह फातिहा को समझ लिया जाए बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता है। तो मेरा जी चाह रहा है आज के इन मुख्तसर लम्हात में हम सूरत फातिहा पे बात करते हैं। आपने बहुत सारी तकारीर सुनी हैं और मेरे बाद बड़े बड़े जय्यर उलमा के बयानात समात फरमाएंगे, लेकिन उलमा का खादिम होने की हैसियत से इस बाबरकत कॉन्फ्रेंस में अपनी हाजिरी लगवाने की हैसियत से इब्तिदाई कलेमात कुरान करीम के, जिन्हें सूरत फातिहा कहा जाता है, उसी पे गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूं। दुआ करें परवरदिगार आलम मुझे कमा हक्कुहु बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। सूरत फातिहा
जिसे अल्लाह ने नमाज की हर रकत में जरूरी करार दिया। मुनफरिद नमाज पढ़ने वाले जब तक नमाज की हर रकत में तू सूरत फातिहा अपनी जुबान से अदा नहीं करेगा, अल्लाह तेरी नमाज को भी कबूल नहीं करेगा। इतनी जरूरी सूरह मुबारका, लेकिन हमने इसे बहस के लिए छोड़ दिया है, कभी इस पे गौर नहीं किया कि मेरे अल्लाह ने सूरह फातिहा में क्या फरमाया है। तो आइए आज कुरान करीम से पूछते हैं, रब की लारेब किताब इस सूरह फातिहा के अंदर मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया। तो कुरान बोलता है, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा का पहला जुमला, पहली आयत करीमा जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने अपने बंदे को सिखाया, मेरे बंदे मेरे दर पे आने वाले, जब तू मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए साइल बनकर आता है तो मैं तुझे तरीका बता दूं, मेरे बंदे मेरे दरवाजे से तूने कैसे मांगना है, कैसे मैं तेरी झोली को भरूंगा। तो कुर्बान जाऊं मैं उस रब्बे किबरिया की अजमत पर, मेरे रब ने मांगने वाले को खुद तरीका बताया, मेरे बंदे इस तरह मांगना तेरा काम है, तेरी झोली को भर देना मैं परवरदिगार आलम का काम है। बताया अपने बंदे को, ऐ मेरे बंदे जब तू मेरे दरवाजे पे आए हाथ बांध कर बेबसी की कैफियत में खड़ा हो जाए तो तूने अपनी जुबान से कहना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार मैं ऐलान करता हूं तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए हैं, तमाम तारीफें उसके लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें किसके लिए, सारे बोलो यार, जिनका ईमान है बोलो, तमाम तारीफें किसके लिए, रब्बिल आलमीन उस पालने वाले के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। रब्बे कायनात ने ये बता दिया, ऐ मेरे बंदे मैं ऐसा पालने वाला हूं, ऐसा रब हूं जो अपनों को भी रिस्क देता हूं, बेगानों को भी, अपनों को भी रिस्क देता हूं और बेगानों को भी रिस्क देता हूं, मैं ऐसा पालने वाला हूं, ऐसा नहीं करता कि अपनों को रिस्क दूं और बेगानों को महरूम कर दूं, बल्कि मेरी सिफत है रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूं, सारे जहानों का पालने वाला हूं, मैं रिस्क अपनों को भी देता हूं और बेगानों को भी महरूम नहीं करता, मैं अपने खलील का भी रब हूं, पर रिस्क मैंने नमरूद पर भी बंद नहीं किया, मैं अपने कलीम का भी रब हूं पर मैंने रिस्क तो फिरौन पर भी बंद नहीं किया, मैं अपने महबूब का भी रब हूं पर मैंने रिस्क तो अबू जहल पर भी बंद नहीं किया, मैं ऐसा रब हूं, ऐसा पालने वाला हूं, मैं अपनी तमाम मखलूकात को रिस्क देता हूं और जब तक अपनी तमाम मखलूकात को रिस्क न दे दूं उस वक्त तक मैं सूरज को भी गुरूब नहीं होने देता, ऐसा रब हूं जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया है मैं जरूर उसे पहुंचाता हूं। अपने बंदे को बताया रब्बुल आलमीन ने, ऐ मेरे बंदे जब मेरे दरवाजे पे आया कर
इस तरह कहा कर तमाम तारीफें उसके लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान भी है निहायत रहम वाला है। फरमाया मेहरबान तो है ना, उसकी मेहरबानियों की इंतहा नहीं है। मुबालगा कर दिया, फरमाया मेरे बंदे सिर्फ मेहरबान नहीं बल्कि निहायत रहम वाला है। कितना मेहरबान है ऐ बंदे, अगर तू अपने आमाल पे नजर करता तो शायद तू एक लुक्मे के काबिल भी न होता, लेकिन उसकी मेहरबानियां देखना। तेरी नाफरमानियों के बावजूद भी, तेरी बगावतों के बावजूद भी, तेरी नाशुक्री करने के बावजूद भी उसने कभी तेरे रिस्क को बंद नहीं किया। मेहरबान है कि नहीं? कितना मेहरबान है। फरमाया अर्रहमानिर्रहीम, तेरी वसातों की, सोच की वसातों की इंतहा हो जाएगी लेकिन उसकी मेहरबानियों की इंतहा नहीं होगी। बहुत मेहरबान है, तेरी सोच से ज्यादा मेहरबान है। और फरमाया के इख्तियारात उसके पास कितने हैं, मालिकी यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक है, रोजे जजा का मालिक है। कयामत के दिन का मालिक कौन? सारे बोलो यार, जिनका ईमान है बोलो। यकीदा तौहीद बयान करती है सूरत फातिहा। काश यही सूरत फातिहा हमें समझ आ जाती तो हमारा काम बन जाता। सूरत फातिहा ने हमें अल्लाह की तारीफ करना भी सिखाई है और रब्बे कायनात की अजमत भी समझाई है। अपने रब के दर पे आने वालों, जिस रब के दरवाजे पर खड़े हो उस रब को पहचानते हो, वो रब कितनी शान वाला है। उसकी शान है मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है, उस दिन का मालिक है जिस दिन अंबिया और रसूल भी उसके सामने मौजूद होंगे, सारी इंसानियत उसके सामने मौजूद होगी और वो ऐलान करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज के दिन बादशाह, आज के दिन ताकत किसकी है, कोई है ऐसा जो आज मेरी अदालत में बोल सके, अपनी मर्जी कर सके। ऐलान करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है, आज के दिन किसकी बात चलने वाली है। लोगों जरा सोचो तो सही ना, वो कितना सख्त दिन होगा जिस दिन बाप बेटे का नहीं बनेगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। कुरान कह रहा है वो कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जब कोई किसी का नहीं बनेगा, बाप बेटे का नहीं बनेगा, बेटा बाप का नहीं बनेगा, भाई भाई से भागेगा, बहन माँ बहन बहन से भागेगी, बेटी माँ से दूर होगी, माँ बेटी से दूर भागेगी कि कहीं मुझसे कोई नेकी ना मांग ले। उस दिन जरा सोचिए रब्बे कायनात ऐलान फरमाएंगे, ओ दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने वालों, दुनिया में ईमान वालों पर अपने जुल्म के शिकंजे गाड़ने वालों, बेबसों पर जुल्म करने वालों, आ जाओ ना मेरी अदालत लगी हुई है। और आज कौन है जो मेरी अदालत में बोल सके, आज कौन है जो अपने आप को सुपर पावर जाहिर कर सके। ये अमेरिका और बर्तानिया के गुंडे और हमारे हुक्मरान जो इनके पुजारी बनकर आज के मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, ये अल्लाह की अदालत में बेबस खड़े होंगे। और ये दुनियादार तो क्या, मेरे रब की अदालत तो लोगों ऐसी होगी बल कसर
और गर्दो नवाज से ताल्लुक रखने वाले गयूर मुसलमानों, इतना सख्त दिन होगा कि बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े रोजादार, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार भी कांप रहे होंगे। या अल्लाह, पता नहीं आज हमारा क्या बनने वाला है। और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली गुजरे हैं, उन्होंने उसी मंजर को सामने रखते हुए उस मंजर का नक्शा खींचा है। क्या दल करे ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले हो ते फजल करे ते बख्शे जावन, मैं वर्गे मुंह काले हूं। कि लोगों को ऐसा दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, रब्बे कायनात जब ऐलान करेंगे लिमनिल मुल्कु लियूम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसका हुक्म चलने वाला है, तो बड़े बड़े कांप रहे होंगे, हर एक की जुबान पे होगा या रब्बी नफसी, या रब्बी नफसी, या रब्बी नफसी, अल्लाह पता नहीं आज मेरा क्या बनने वाला है। वहां पर कोई मलक साहब, चौधरी साहब, नवाब साहब, खान साहब, किसी की नहीं चलेगी, रब की अदालत होगी। हमारे पाकिस्तान की अदालतें नहीं होंगी, जहां रिश्वत चलती है, हक नहीं दिया जाता, मजलूम को और ज्यादा घसीटा जाता है, जालिम को आजादियां दी जाती हैं, रिश्वत से काम चल जाता है, किराए के गवाह मिल जाते हैं। अल्लाह की अदालत ऐसी नहीं होगी, वहां तो ऐलान होगा, है किसी के अंदर इतनी जरूरत तो आए सामने, सारे के सारे बेबस खड़े होंगे, रब्बे कायनात की तरफ से ऐलान किया जाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, ओ लोगो आज अकेले अल्लाह की बादशाही है जो कहार है, बड़ी ताकत वाला है, उस अल्लाह की बादशाही है जिसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती, उस अल्लाह की बादशाही है। लेकिन मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, उस दिन के अंदर भी एक हस्ती नजर आएगी जो मेरी और आपकी फिक्र में अपने अल्लाह के सामने सजदा रेज होगी, और वो हस्ती किसकी होगी पता है? हमारे आका जनाबे सैयदिना मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती होगी। जब अल्लाह की अदालत लगी होगी तो कमली वाला पैगंबर मेरे और आपके लिए अल्लाह के सामने रोता हुआ नजर आएगा। दुनिया के अंदर रहे तो या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। और मैदान माशर होगा, मैदान माशर में भी सरकारे दो आलम अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएंगे, अल्लाह देखेंगे मेरा महबूब मेरे सामने ज़ारों कतार रो रहा है, आंसुओं की बरसात है मेरे महबूब की, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है, सज्दा रेज है, रब्बे कायनात अपने महबूब को देखेंगे तो फरमाएंगे इरफा रासक या मुहम्मद, मेरा महबूब जरा सर उठाइए, कमली वाले पैगंबर आपका रोना देखा नहीं जाता, मेरे महबूब सर उठाइए, सल मेरे महबूब सवाल कीजिए ना, क्या मांगना चाहते हैं, तोता मेरे महबूब सवाल करना आपका काम है, अता करना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह ये उस दिन भी नहीं फरमाएंगे मेरे महबूब जिसके तवाना कर दें और जिसके बारे में जी चाहे उसे जहन्नम भेज दें, और उस दिन भी किसका होगा बोली इख्तियार, किसका होगा? तो मुख्तारे कुल कौन हुआ बोलो यार,
शायद सूरत फातिहा आपको समझ नहीं आ रही, ये सूरत फातिहा है। और सूरत फातिहा क्या बता रही है? मुख्तार कुल कौन, तमाम तारीफों के लायक कौन, अल्लामुल गुयूब कौन, दाता कौन, मुश्किल कुशा कौन, हाजत रवा कौन, झोलियां भर देने वाला कौन। ये जो बांग्लादेश वाले पीछे बैठे हैं ना, उनकी भी आवाज लफ्ज़े अल्लाह पे बुलंद होनी चाहिए। मैं आपको कोई नहीं कह रहा आप नारा लगाएं कुछ और कहें, सिर्फ ये कह रहा हूं कि बातिल के ईवानों तक आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए इन गयूर सुन्नी मुसलमानों की आवाज पहुंच जानी चाहिए कि दुनिया एक कुफ्र भी सुन ले, इनका नामो निशान मिटाना आसान नहीं है। ये अल्लाह वाले हैं। ये कौन है? सारे बोलो ये कौन है? ये सारे अल्लाह वाले बैठे हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। ये तौहीद वाले हैं, अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं, इनका ईमान है। मौत भी किसके कब्जे में, जिंदगी किसके कब्जे में? अल्लाह के कब्जे में। और सूरत फातिहा ने यही हमें दर्श दिया है, और हमारे अकाबिर ने इस सूरह फातिहा पे अमल करके हमें एक दर्श दिया है। कयामत तक आने वाले लोगों, अगर एक अल्लाह के दरवाजे पे झुकने वाले बनोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकेगी। और दर दर की दर दर के पुजारी बनोगे तो फिर धक्के और ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे पूछ रहा था हमारा मुश्किल कुशा कौन, हाजत रवा कौन, दाता और कारसाज कौन, बिगड़ी बनाने वाला कौन। ये सारे इख्तियारात मेरे अल्लाह के पास हैं। इस दुनिया में भी मालिक अल्लाह, और कयामत के दिन भी मालिक कौन? अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने कयामत के दिन सजदा रेज होंगे, रब्बे कायनात फरमाएंगे मेरे महबूब इरफा रासा का, कमली वाले पैगंबर जरा सर उठाइए मेरे महबूब, आइए आंसू किसके लिए बहाए जा रहे हैं, आइए रोना धोना किसके लिए है। कमली वाले पैगंबर सल मेरा महबूब मांग तो सही ना, कमली वाले पैगंबर तुझे मांगना अच्छा लगता है, मुझे देना अच्छा लगता है। मेरे महबूब तुझ जैसा मांगा किसी ने नहीं, मुझ जैसा दिया किसी ने नहीं। कमली वाले पैगंबर जरा मांग, तो उस दिन भी आका क्या मांगेंगे? ऐ अल्लाह मैं अपनी उम्मत की बख्शिश चाहता हूँ, मेरे परवरदेगार मैं अपनी उम्मत के लिए या इलाहुल आलमीन तेरे सामने आंसू बहा रहा हूँ। लोगों रब्बे कायनात उस दिन कमली वाले पैगंबर की आंसुओं की बरकत से मेरी और आपकी मगफिरत के फैसले फरमाएंगे। तो अर्ज़ कर रहा था उस दिन भी इख्तियार किसका होगा? अल्लाह का होगा। फिर ये सारी तारीफें करने के बाद, एतराफ करने के बाद, अब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा है और अगला जुमला क्या कहता है? कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु हम इबादत भी तेरी ही करेंगे, व इय्याका नस्तईन और मदद भी किससे मांगेंगे? तुझ ही से मांगेंगे। वादा करता है बंदा अपने अल्लाह के साथ, नमाज में खड़ा हुआ अल्लाह से वादा करता है, लेकिन बाहर जाकर वादे को भूल जाता है। इधर नमाज में कहा अल्लाह हम इबादत भी तेरी ही करेंगे और मदद भी तुझ ही से मांगेंगे, लेकिन जब बाहर निकला, जो मुवाहिद नहीं होता बाहर निकलता है, फिर शैतान अपना जाल डालता है, तो अगर कोई कब्र चमकीली नजर आई तो वहीं पे सजदा रेज हो गया।
कोई झंडी रंगीली नजर आई वहीं पे झुक गया। जनाबे वाला कोई घोड़ा सजा हुआ नजर आया तो उसके नीचे से गुजरना शुरू कर दिया। ये शैतान के जाल हैं सारे। जब इंसान अल्लाह से नहीं जुड़ता तो फिर दर दर के धक्के मिलते हैं, फिर घोड़े को भी अपना माबूद बना लेता है कि ये भी मेरा हाजत रवा है। कम बख्ती है कि नहीं? कम बख्ती है, बदनसीबी है। अल्लाह ने घोड़े को बनाया। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वजीना। रब्बे कायनात फरमाते हैं मैंने ये खच्चर, ये घोड़े, ये ऊंट बनाए हैं सवारी के लिए, बनाए हैं कि इंसान इनके ऊपर सवार हो। लेकिन जब अल्लाह का दरवाजा छोड़ेगा तो फिर घोड़ा ऊपर होगा, ये बदबख्त नीचे से गुजरेगा। ये बदनसीबी की बात है। और वजह क्या है? अल्लाह का दरवाजा छोड़ा है। अर्ज कर रहा था जब अल्लाह के दरवाजे पे झुकने वाला बनेगा तो अपने अल्लाह से वादा करेगा, ए मेरे परवरदिगार, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इबादत भी तेरी ही करते हैं और मदद भी। बोलो यार, मदद किससे मांगनी है? इबादत किसकी? सारे बोलो, इबादत किसकी? मदद किससे मांगनी है? सजदा किसके लिए? रुकू किसके लिए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, असहाबे मुस्तफा कमली वाले पैगंबर के जानिसार और वफादार सहाबा कमली वाले पैगंबर के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल, हम अरब के वडेरों को देखते हैं, अरब के वडेरे जब बैठे होते हैं, उनके चाहने वाले जब उनके पास आते हैं तो अरब के वडेरों को सजदा करते हैं, और कमली वाले पैगंबर, सारे वडेरे आपकी जूती पे कुर्बान कर दिए जाएं। कमली वाले पैगंबर, ये सारे वडेरे तो आपकी जूती का मुकाबला भी। बोलो, सारी कायनात के वडेरे मिल जाएं, मेरे नबी की जूती का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने कैसा बनाया है अपने महबूब को? हमारा तो ईमान है, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अगर अल्लाह के बाद कोई मकाम वाली हस्ती है, अल्लाह के बाद कोई शान वाला है तो वो आमना का लाल है। सारे नबी मिलकर भी आमना के लाल की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। कैसा बनाया मेरे अल्लाह ने? तेरी सूरत तेरी सीरत जमाना में निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाना में निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारी दलील बेमिसाली है। कमली वाले पैगंबर, अल्लाह ने आपको सूरत में भी यकता बनाया है और सीरत में भी। मेरा खुदा अपनी खुदाई में वहदहु ला शरीक है, और हमारा ईमान है उसका मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में वहदहु ला शरीक है। कमली वाले पैगंबर की अजमत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आपकी शान आपके मकाम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन सजदा किसके लिए? सजदा किसके लिए? यार सारे बोलो जिनको बात समझ आ रही है, सजदा किसके लिए? रुकू किसके लिए? और यही बात सहाबे रसूल कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, हमारा जी चाहता है जब हम अरब के वडेरों को देखते हैं, रियाया उन्हें सजदा करती है तो आमना के लाल, हमारा ईमान कहता है यारब के वडेरे सारे आपकी जूती पे कुर्बान कर दिए जाएं, आपकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। जब उन्हें सजदा किया जाता है तो क्यों ना हम आपको सजदा करें, क्यों ना हम आपको सजदा करें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं नहीं मेरे सहाबा,
अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने की इजाजत होती तो सबसे पहले मैं बीवी को हुक्म देता अपने खामिंद को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने की इजाजत, बोलो अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने की इजाजत नहीं है। इसलिए सजदा किसके लिए, बोलो यार, सजदा किसके लिए, रुकू किसके लिए, और यही वादा इंसान नमाज में अपने अल्लाह से करता है, ऐ मेरे परवरदिगार इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरे परवरदिगार इबादत भी तेरी ही करूंगा और मदद भी तुझ ही से मांगूंगा। नमाज में तो ये वादा करता है, जब बाहर निकलता है तो कहता है नहीं ये बात तो थी वहाबियों की, ये देवबंदियों का कीदा है, तो बोले तेरा कीदा ये नहीं है, तू बाहर जाके कह या अली मदद, बाहर जाके कह या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आजम मदद, मैं बात ये कर रहा हूँ रब्बे किबरिया की कसम, हम देवबंद वाले वलियों के भी मानने वाले हैं, नबियों के भी मानने वाले हैं, इसलिए कि रब ने औलिया अल्लाह का भी, औलिया अल्लाह का भी तारुफ कराया है और अंबिया का भी तारुफ कराया है। हमारा ईमान है नबियों का मुनकर भी मुसलमान नहीं हो सकता और वलियों का मुनकर भी मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के इख्तियारात न किसी नबी के पास हैं न किसी वली के पास हैं। अल्लाह अपनी खुदाई में वहदहू ला शरीक है, अपनी जात में भी अकेला है और अपनी सिफात में भी अकेला है। इसलिए जब भी पुकारना हो मदद के लिए तो किसे पुकारना है, सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह हम सबको सुन्नी बना दे, बोलो अल्लाह हम सबको सुन्नी बना दे। जब सुन्नी बन जाओगे फिर हर जाई नहीं रहोगे, यक जाई बन जाओगे, और मदद की जरूरत पड़ेगी तो किसे पुकारोगे, अल्लाह को पुकारोगे। इसीलिए तो मेरे शेख ने उन्वान दिया है हर मुश्किल में हर सुन्नी के जुबान पे क्या होना चाहिए, या अल्लाह मदद, रसूलुल्लाह भी बरहक, लेकिन मदद किससे मांगनी है, गौसे आजम भी बरहक लेकिन मदद किससे मांगनी है, हजरत अली भी बरहक लेकिन मदद किससे मांगनी है, अल्लाह से मांगनी है। और यही वादा किया जा रहा है नमाज के अंदर कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम इबादत भी तेरी ही करेंगे और मदद भी तुझ ही से मांगेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये सारे वादे और तारीफें करने के बाद अब इंसान अपने अल्लाह से कुछ मांगने जा रहा है, अल्लाह से कुछ मुतालबा करने जा रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने तेरी तारीफ कर दी इसलिए कि मेरा ईमान है तमाम तारीफों के लायक कौन है, अल्लाह है, इसलिए मेरे मालिक तेरी तारीफ की है और मैंने कुछ तुझसे वादे भी किए हैं कि अल्लाह तेरा दरवाजा छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा, मेरा ईमान है इस दुनिया में भी मेरा मालिक तू है और आखिरत के दिन कयामत के दिन भी मेरा मालिक तू है, इसलिए मैं तेरा दरवाजा छोड़कर किसी और जगह पे क्यों जाऊं, मेरे अल्लाह अब मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं और मांगता क्या हूं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मांगता ये हूं कि मुझे सिराते मुस्तकीम अता कर दे, मुझे सीधा रास्ता अता कर दे, मुझे वो रास्ता दे जो सीधा तुझ तक पहुंचता हो, मुझे वो रास्ता अता कर कि दुनिया में तू खुश हो जाए और जब तेरा सामना हो तो उस दिन तू ऐलान कर दे मेरे बंदे
दुनिया में तूने मुझे नाराज नहीं किया, आज मैं तुझे गमगीन नहीं होने दूंगा। अल्लाह मुझे वो रास्ता अता कर। और साथ मांगता है, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे सिराते मुस्तकीम मांगता हूँ, मुझे सिराते मुस्तकीम अता कर, मुझे सीधा रास्ता अता कर। और सीधा रास्ता कौन सा? सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम, मुझे उन लोगों का रास्ता अता कर जिन पर तूने अपना इनाम किया। किन लोगों का रास्ता अता कर जिन पर तूने अपना इनाम किया? अब कुरान से पूछिए, ऐ कुरान अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्ता बंदे कौन से हैं? वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया, जिनके बारे में अल्लाह से मांगा जा रहा है? अल्लाह में उनका रास्ता अता कर जिन पर तूने अपना इनाम किया है। तो इनाम याफ्ता बंदे कौन से हैं? कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वस्सुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता बंदे वो हैं जिनमें पहला नंबर अंबिया का है। पहला नंबर किन का है? जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया उनमें से पहला नंबर है अंबिया का, और दूसरा नंबर है सिद्दीक सिद्दीकीन का। अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन, और तीसरा नंबर वस्सुहदा, चौथा नंबर वस्सालिहीन। तो अब देखिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इनाम याफ्ता बंदे बताए। इनाम याफ्ता बंदे कौन से हैं? अंबिया भी वो हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, सिद्दीकीन भी वो हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया, शुहदा भी वो हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया, और औलिया अल्लाह भी वो हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया। ये सालिहीन कौन हैं? ये औलिया अल्लाह हैं। मेरे भाई, हम औलिया अल्लाह को कैसे न माने? हम औलिया अल्लाह का दरवाजा छोड़ते तो हुसैन अहमद मदनी को हम क्यों अल्लाह का वली मानते? हम हजरत नानोतवी का दर क्यों ना छोड़ देते? हम काजी मजर हुसैन का पल्ला क्यों ना छोड़ देते? ओ भाई, हमने इनको वली माना है, और सच्चा वली माना है तो इनका दामन थामा है। हम अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि ये दर्स हमें कुरान ने दिया है। ये दर्स किसने दिया है? कुरान ने दिया है। इसलिए मैंने इब्तिदा में एक बात कही थी, शायद आपको याद हो, कि हम मुवाहिद हैं। हम कौन हैं? मुवाहिद हैं। मुवाहिद का क्या माना? अल्लाह की तौहीद के मानने वाले हैं, लेकिन बहरूपिये नहीं हैं कि तौहीद की आड़ में तौहीन करें औलिया की या औलिया अंबिया की या औलिया की। और तौहीद का दामन छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हम मुवाहिद हैं और सच्चे मुवाहिद हैं, और अल्लाह ने हमें वो अकीदा तौहीद दिया है जो अल्लाह चाहते हैं। वो अकीदा तौहीद हमें मिला है जो अल्लाह चाहते हैं। औलिया अल्लाह, अंबिया, इनका रास्ता अल्लाह ने बताया है। इनका दामन थामोगे तो अल्लाह वाला रास्ता मिलेगा, इनका दामन छोड़ दोगे तो फिर कभी पत्थरी बनोगे, कभी राफजी बनोगे, कभी मुलहिद और जिंदीक बनोगे, कभी भी अहले सुन्नत बन सकते नहीं हो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असाबे रसूल को समझाया, मेरे सहाबा, अल्लाह ने ये क्यों बताया है कि अल्लाह से सिराते मुस्तकीम मांगा करो? मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, बनी इसराइल के अंदर 72 गिरोह बने थे, 72 फिरके बने थे। मेरी उम्मत पे ऐसा वक्त आएगा कि मेरी उम्मत में 73 गिरोह बनेंगे, लेकिन उन 73 गिरोहों में से एक फिरका वो होगा जो जन्नत में जाने वाला होगा, कामयाब होने वाला होगा। सरकारे दो आलम की जानिसारों ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल,
वो कामयाब होने वाला फिरका कौन सा होगा। तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, माना अलैही व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं और मेरे सहाबा चल रहे हैं, जो इस रास्ते को इख्तियार करेगा वो फिरका कामयाब होने वाला होगा, वो गिरोह नाजी होगा, जन्नत में जाने वाला होगा। काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अर्ज कर रहा था कि इंसान अपने अल्लाह से मांग रहा है सूरत फातिहा के अंदर कि सिरात अल्लदीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह मुझे उन लोगों का रास्ता अता कर जिन पर तूने अपना इनाम किया है, यानी किन का रास्ता, अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, सुहदा का रास्ता, औलिया सालिहीन का रास्ता, यकीनन ये वो रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम है। और मेरे परवरदिगार मैं तुझसे मांगता हूँ सिरात अल्लदीना अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे गुमराहों के रास्ते पे न चलाना, अल्लाह जो तुझसे दूर हो गए मुझे उनके रास्ते पे न लगाना, मुझे उसी रास्ते पे चलाना जो रास्ता अंबिया का है, जो रास्ता सिद्दीकीन का है, जो रास्ता सुहदा सालिहीन का है, अल्लाह मुझे उसी रास्ते पे गामजन रखना। और वो रास्ता कौन सा है, अल्लाह से मिलाने वाला रास्ता है। यकीनन जब कोई शख्स इस सूरत फातिहा को समझ लेता है तो सुपर पावर किसे मानता है, बोलो सुपर पावर किसे मानता है, अल्लाह को मानता है। और जिसका अकीदा बन जाए मेरी मौत भी अल्लाह के कब्जे में, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के कब्जे में, मेरा दाता भी अल्लाह, मेरा हाजत रवा भी अल्लाह, मेरा मुश्किल कुशा भी अल्लाह, फिर मेरा अल्लाह उसे जलील होने नहीं देता। अल्लाह दुनिया में भी उसे सुरखुरू करता है, आखिरत में भी कामयाबियां उसका मुकद्दर होंगी। मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम हमें दादमे जिंदगी अहले हक से वाबस्ता रखे और अकीदा तौहीद पर अल्लाह हमें जिंदा भी रखे, और जब हमारी मौत आए तो उस वक्त भी हम मुवाहिदीन की हालत में मरे। अल्लाह मुझे आप सबको कयामत की रुसवाई से محفوظ فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين।